गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को क्या है हमारा फर्स्ट ईयर फिटर थ्योरी, जो भी हमारे फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं फिटर वाले, सबसे पहले आप लोगों को ये बताऊंगी कि फिटर है क्या। ठीक है, फिटर की परिभाषा यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, अगर फिटर ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, फिटर के बारे में पता होना चाहिए कि फिटर आखिर है क्या। तो देखिए, आजकल क्या है, आधुनिक युग में क्या है, मशीनों का उपयोग ज्यादा किया जा रहा है, मशीनों के द्वारा ही हर पार्ट को बनाया जाता है, क्योंकि बहुत सारी मशीनें बनी होती हैं और हर काम करने के लिए अलग अलग मशीन की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए क्या है, हमारी मशीनें बनाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे फिटर के बारे में, क्या है आधुनिक युग मशीनों का युग है, यानी कि वर्तमान समय में आजकल आधुनिक युग में जो भी कार्य हो रहे हैं वो सब मशीनों द्वारा हो रहे हैं। विभिन्न कार्यों के लिए अलग अलग मशीनों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अलग अलग, जैसे जो भी हमारा कार्य है, हर कार्य के लिए अलग अलग मशीनों का प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम एक ही मशीन से बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, तो उन मशीनों को निर्माण करने के लिए, ठीक है, हर मशीन क्या होती है, अलग अलग पेज पुर्जों से बनी होती है। ठीक है, हर मशीन अलग अलग पार्टों से बनी होती है, बनी होती है। क्या होता है, जो हमारी मशीन होती है, कोई भी मशीन होगी, अलग अलग पार्टों से बनी होती है। तो इन पार्टों को बनाने के लिए यदि हम क्या करेंगे, हाथ के द्वारा बनाएगा कारीगर, उसको टाइम लगेगा। इन पार्टों को बनाने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है मशीनों का प्रयोग, क्योंकि अगर इन्हीं पार्टों को कोई कारीगर हाथ से बनाएगा तो क्या होगा, वह टाइम ज्यादा लेगा और हमारे धन की भी ज्यादा खपत होगी उसमें और समय की भी होगी, तो इसीलिए इनको क्या है, मशीनों से बनाया जाता है। इन पार्टों को फिटिंग द्वारा इन पार्टों को फाइलिंग द्वारा
हाइजीन द्वारा, कटिंग द्वारा, और फिनिशिंग करके जो कारीगर क्या करता है, इन पार्टों को जो मशीन के द्वारा बने हैं उन पार्टों को क्या करता है, फाइलिंग द्वारा, फिनिशिंग द्वारा और कटिंग द्वारा क्या करता है, जो कारीगर फिट कर ठीक है करता है फिट कर ठीक है इन पार्टों को किसके, फाइलिंग द्वारा, फिनिशिंग द्वारा और कटिंग द्वारा फिट कर एक मशीन या औजार औजार का निर्माण करता है, निर्माण करता है, करता है वह फिटर कहलाता है, वह फिटर कहलाता है। आप देखिए क्या करता है, बताया जैसे कि मशीन का युग है, अब क्या करते हैं मशीनों से ही हमारे सारे कार्य होते हैं, तो जो भी होते हैं पार्ट मशीन पे बनकर आते हैं और वो क्या होते हैं फिट नहीं हो पाते हैं, तो उनको क्या करता है फिटर फाइलिंग द्वारा, कटिंग द्वारा और फिनिशिंग द्वारा एक मशीन और मशीन का निर्माण करता है, कोई भी नए औजार का निर्माण करता है उसको हम क्या कहते हैं फिटर कहते हैं। अब फिटर का जो कार्य होता है वो क्या होता है, मशीन पार्ट को, अलग अलग पार्टों को फिनिशिंग और फिटिंग और फाइलिंग द्वारा फिनिश करके उसको असेंबल करके जोड़ना, वही क्या है फिटर का कार्य है। तो ये हो गया हमारा फिटर की परिभाषा। अब हम बताएंगे आपको कि जो हमारे फिटर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और जो हमारा फिटर होता है क्या करता है, कुशल फिटर, कुशल फिटर सेवेंटी फाइव परसेंट कार्य हाथ से करता है, ठीक है, हाथ से करता है, और क्या होता है 25% कार्य मशीन पर करता है, ठीक है, 25% कार्य मशीन पर करता है। ये क्या है हमारा एक कुशल फिटर जो होगा, जो काम में, जिसके काम में बहुत कुशलता होगी वो क्या करेगा, हमारा 75% कार्य हाथ से करता है और 25% कार्य जो होगा मशीन पर करता है। अब हम बात करेंगे फिटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, फिटर के प्रकार, यानी कि जो हमारा फिटर है वो कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले आता है हमारा
नंबर एट बेंच फिटर, बेंच फिटर जो भी कार्य हमारे क्या होते हैं बेंच पे किए जाते हैं, जैसे कि बेंच वॉइस से बात की वो क्या कहलाता है, जो भी कार्य बेंच पर किए जाते हैं वह बेंच फिटर कहलाते हैं। यानी कि जो भी कार्य हमारे बेंच पे किए जाते हैं, वैसे तो हमारे क्या होता है कि 75% कार्य हमारे बेंच फिटर करते हैं, यानी कि बेंच पे ही हमारे 75% जो होते हैं कार्य होते हैं, तो वो क्या होते हैं हमारे बेंच फिटर कहलाते हैं। ठीक है, अब दूसरा है हमारा पाइप फिटर, नंबर दो पाइप फिटर। तो पाइप फिटर का कार्य आप सभी लोगों को पता होगा कि जैसे कि देखा होगा आप लोगों ने कि जो घरों में पानी के नल लगे होते हैं, पाइप लगे होते हैं, वो सारे कार्य क्या आते हैं हमारे पाइप फिटर में आते हैं। देखो घरेलू पानी के पाइप तथा गैस लाइन जो क्या होता है हमारे गैस लाइन के पाइप होते हैं, गैस लाइन के पाइपों, और किसके होते हैं गैस लाइन के पाइपों को जो जोड़ता है वह पाइप फिटर कहलाता है, वह पाइप फिटर कहलाता है। जैसे कि देखा होगा क्या करते हैं हम लोग, जब हमें अपने घर में पानी की लाइन बिछानी होती है तो हम प्लम्बर को बुलाते हैं, और अगर हमें गैस की लाइन बिछानी है तो उसमें भी क्या होता है कि हम पाइप फिटर को ही बुलाते हैं। ठीक है, वो भी प्लम्बर भी उस काम को कर सकता है और पाइप फिटर भी इस काम को क्या है कर सकता है।